लेकर वो आज बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। संगठन के पदाधिकारियों के साथ वो ये बैठक करेंगे और पीएम के प्रस्तावकों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बता दें कि पीएम मोदी 13 मई को रोड शो करने वाले हैं, नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और बीजेपी के रोड शो को भी आज देखेंगे गृहमंत्री अमित शाह। तो देखिए, पीएम के प्रस्तावकों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ तैयारियां की जा रही? देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। देखिए, 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से नामांकन करेंगे, उससे पहले वो 13 तारीख को ही वाराणसी आ जाएंगे और एक रोड शो करेंगे। तो उन्हीं कार्यक्रमों का ही, दो दिन का जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उन्हीं का रोड मैप क्या होगा, क्या तैयारियां हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो उनकी ये समीक्षा बैठक है जिसकी संगठनात्मक बैठक की जाएगी। अमित शाह उसमें रहेंगे, वो खुद बैठक लेने आ रहे हैं। चूंकि अमित शाह आ रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संगठन की दृष्टि से तमाम जो तैयारियां हैं, प्रशासनिक तैयारियां और संगठन की तैयारियां, इन सभी की समीक्षा बैठक हो रही है। इसके कारण ये लोग आ रहे हैं। अचानक कल प्रोग्राम बना है, इससे पहले ये प्रस्तावित नहीं था। तो इन सब चीजों की, क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो उसका शेड्यूल फाइनल कर लिया गया है, लेकिन चूंकि अंतिम दौरे का चुनाव है और कहीं से कोई कोताही जो संगठन है वो कहीं से रखना नहीं चाहता है, भले लड़ाई एक तरफा दिख रही हो प्रधानमंत्री की, लेकिन एक एक वोट को किस तरीके से सहेजा जाए, अन्य जगह जगह जहां हार जीत की लड़ाई चल रही है, वहां वाराणसी की यदि हम बात करें तो मार्जिन, जो विजय का मार्जिन होगा वो पिछली बार से कितना बढ़ सके, इस चीज की लड़ाई हो रही है। तो उसकी दृष्टि से मतों को कितना बढ़ाया जाए जो बाद में आने वाले भविष्य में संगठन की दृष्टि से एक नया मैसेज बन सके, तो उन सब चीजों को जानने, समझने और सहेजने के लिए बैठक आयोजित की गई है। देखिए, इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी की जनता पीएम मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाती है। ये निश्चित रूप से पिछले दो बार का चुनाव 2014 और 19 का देखा जाए तो दोनों बार में लगातार जो प्रतिशत रहा है मतदान का और मार्जिन का, जो जीत का जो मार्जिन है वो बढ़ता रहा है, और इस बार लक्ष्य जो है कि मार्जिन को जस्ट डबल कर दिया जाए। तो उसपे कैसे कैसे क्या स्टोरी तैयार होगी, क्या उसकी स्क्रिप्ट, देखिए भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की जो एक पॉलिसी है, पूरा स्क्रिप्ट तैयार करती है और स्क्रिप्ट के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट उन संगठन के लोगों को बैठाया जाता है, एक एक पॉइंट पर जो उनके संगठन के लोग है, निचला स्तर पन्ना प्रमुख जिसको कहा जाता है, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, मंडल प्रमुख, इन सब चीजों को बकायदे एक एक व्यक्ति को ड्यूटी दी जाती है, निर्धारित की जाती है, टारगेट दिया जाता है, शब्दे में कहा जाए कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को टारगेट देती है और उसके बकायदे बीच बीच में, जैसे मार्केटिंग अफसर अपने अंडर में जो मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव रहते हैं उनकी बैठक लेती है, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने इन कैडर के बीच बीच में बैठक लेती रहती है, समीक्षा बैठक करती रहती है, ताकि जो एक स्ट्रेटजी है कि जो प्रॉफिट, अगर आप मतदान को आप प्रॉफिट कर लीजिए कि प्रॉफिट मार्जिन लगातार किस तरीके से बढ़ना चाहिए अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, इसको यहाँ फाइनेंशियल ईयर ना करके आप इलेक्शन ईयर कह सकते हैं, तो एकदम मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे कॉर्पोरेट सिस्टम में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। और उसी की बात कहें तो एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, तमाम सांगठनिक जो चीजें उन सबको देखने के लिए, उनको जानने के लिए, उनका विस्तार के लिए बैठक है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वही देखिए, सीएम योगी